नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 29 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू चाइना कौन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विक्रम मिश्री, बी विकास स्वरूप, सी अजय बिसारिया और डी गौतम बंबावले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए विक्रम मिश्री। विकास स्वरूप जी इंडियन एम्बेसडर टू कैनेडा हैं और अजय बिसारिया जी इंडियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिंबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जी। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू बीएसएफ चीफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो ए के शर्मा जी हैं, क्या वो बी रजनीकांत मिश्रा जी हैं, सी आर के पचनंदा जी हैं या डी अनिल धस्माना जी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी रजनीकांत मिश्रा जी। आर के पचनंदा जी आईटीबीपी के चीफ हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो टिप्टियन बॉर्डर पुलिस और अनिल धस्माना जी रॉ के चीफ हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो फाउंड हुआ था वो फाउंड हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं न्यू दिल्ली में और जो बीएसएफ का मोटो है वो है ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अभी अभी एक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग आई है, उसके रैंकिंग के मुताबिक भारत देश का क्या रैंक बनता है? क्या वो ए 98 है, क्या वो बी 100 है, सी 96 है या डी 112 है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका सी 96 रैंक आया है इंडिया का। और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इस इंडेक्स को टॉप किया है हांगकांग ने, सेकंड नंबर पर आया है सिंगापुर। जो हांगकांग की करेंसी है वो है हांगकांग डॉलर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हांगकांग की उनका नाम है कैरी लैम। ये एक लेडी है, ये लास्ट ईयर ही अपॉइंट की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च यूनिवर्सल पेंशन स्कीम इन इट स्टेट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। वो कौन सी गवर्नमेंट है जो एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लॉन्च करेगी महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर? क्या वो ए त्रिपुरा है, बी असम है, सी नागालैंड है या डी मिजोरम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी असम। अब असम के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। असम के जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी जी और असम की कैपिटल है दिसपुर। ये जो पेंशन स्कीम है ये उन सिटीजन्स के लिए है जिनकी उम्र 60 ईयर्स एंड अबव होगी। ये पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए है। और असम के बारे में मैं एक दो आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आई थिंक ये पूछा गया है। अपने वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए वो बहुत ही फेमस है। इसी के तरह असम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत फेमस है। मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबरीमाला टेम्पल, ये अभी अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी वुमेन हैं ऑफ ऑल एजेस, दे कैन एंटर इन दिस टेम्पल। इससे पहले क्या होता था, इस टेम्पल पे वुमेन्स के जाने पर पाबंदी थी। तो बताइए ये सबरीमाला टेम्पल कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो कर्नाटका में है, क्या वो आंध्र प्रदेश में है या क्या वो केरला में है? तो देखिए इसका आंसर है डी केरला। अब केरला के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। केरला के जो सीएम हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन जी, केरला के गवर्नर है पी सतीश शिवम जी। और ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने तभी इस की पॉइंट्स में लिया है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये पार्शली लोकेटेड है तमिलनाडु में और पार्शली लोकेटेड है केरला में। ये एसएससी के एग्जाम्स में और इवन की यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको वो ऑप्शन में दे देंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है किन दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है। तो याद रखिए ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व
केरला और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। पार्शली ये केरला में है, पार्शली ये तमिलनाडु में है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज की डेट के इंपॉर्टेंट टॉप करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत होते हैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि जो पेपर के लिहाज से, पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं सिर्फ वही पिक करूँ, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो। तो मेरी कोशिश हमेशा वही रहेगी कि जो टॉप के करंट अफेयर्स हैं मैं वही पिक करूं, मैं फालतू करंट अफेयर्स बिल्कुल इस वीडियोस में नहीं डालूंगा। और ये जितने भी करंट अफेयर्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कभी भी आपने कोई भी एग्ज़ाम देने जाना है, एक बार जाने से पहले सारी वीडियोज़ देख जाना, सारे करंट अफेयर्स अपने रिवाइज कर जाना। 90% करंट अफेयर्स आपको इन्हीं वीडियोज़ में से मिलेंगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल दोबारा करंट अफेयर्स लेकर। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।